अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सरवकार वहीद, क्लास नाइन्थ फिजिक्स का पेपर लोअर बोर्ड वालों का कल होने वाला है, फेडर बोर्ड वालों का भी कल ही होने वाला है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, राइट, कि क्लास नाइन्थ का लोअर बोर्ड का और फेडर बोर्ड का एक ही दिन फिजिक्स का पेपर होने वाला है और दोनों का पैटर्न अलग है। और फेडर बोर्ड के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी थी लेकिन मैंने अपलोड नहीं की, तो आई थिंक सो आज अपलोड होगी होगी, राइट। अब क्लास नाइन्थ के लोअर बोर्ड के जो फिजिक्स का पेपर है, राइट, इसमें सबसे पहला सिनेरियो क्या होता है, जिस तरह मैंने फेडर बोर्ड के बारे में बताया था थोड़ा सा कि न्यूमेरिकल जो आएगा उसी चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन लोअर बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर न्यूमेरिकल किसी और चैप्टर से दे देंगे और लॉन्ग क्वेश्चन किसी और चैप्टर से दे देंगे, तो थोड़ा सा मसला है। लेकिन न्यूमेरिकल्स के कौन कौन से चैप्टर से आ सकते हैं पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में ग्रिप हो। फेडर बोर्ड वाले भी इस वीडियो को सुन सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उनकी हेल्प हो सकती है, लेकिन लोअर बोर्ड वाले फेडर बोर्ड की वीडियो ना सुने क्योंकि उससे उनकी हेल्प नहीं होनी। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 2, 5, 6, इन तीन चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स 80% आएंगे। ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले आपको आने चाहिए, वर्क एंड एनर्जी में आता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, K.E=1/2 mv² का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई, mgh। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, और लार्ज जी की वैल्यू क्या होती है, हाँ जी 6.67 × 10⁻¹¹ होती है, और मास ऑफ द अर्थ निकाला था 6.8 × 10⁻²³ जरा देख, 6.4 है ना, 6.4 × है ना, आ रहा है दिन में, चैप्टर 5 पे जाओ ना, नहीं चैप्टर 5 जो डेरिवेशन सॉल्व की थी कल परसों वैल्यूज पुट करके, ये आगे ये पीछे पीछे वो रहा वो नीचे के 6. सही में आ रहा था 6.0 मैथ हो दिया 6.0 × 10⁴ देख लो भाई, तबीयत खराब फिर भी करीब करीब था मैं, तो तुम लोग तो रिवीजन कर रहे हो, तुम्हें तो मेरे से बेहतर होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि बूढ़ा शेर भी शेर शेर ही होता है जब वो बूढ़ा क्यों ना हो, उस्ताद उस्ताद होता है जब वो जख्मी क्यों ना हो। तो ये चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है, न्यूमेरिकल्स आपके हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। पहले चैप्टर में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला, बेचारे स्क्रू गेज बने के ऊपर याद कर करके मर जाते हैं पूरी ज़िंदगी, और टीचर भी पूरा साल यही कहता था ये याद कर लो ये आएगा, ये याद कर लो ये आएगा, कहते हैं ना, पता नहीं तुम्हें कौन से टीचर कहते हैं ये, लेकिन ये नहीं आता। क्यों ये कहते रहते हैं स्क्रू गेज बने के ऊपर याद कर लो याद कर लो याद कर लो, क्योंकि आज से 4 साल पहले ये आया था, अब कब आएगा ये नहीं पता, और क्या पता इसी पेपर में आ जाए, ठीक है, ये ना कि आप लोग याद ही ना करो इस पेपर में आ जाए। तो इसलिए हर साल टीचर आपको यही बोलता रहता है, चाहे वो जिस भी स्कूल का टीचर हो, आप उस टीचर को बुरा भला ना कहें, क्योंकि वो आपको इसलिए कहता रहता है क्योंकि वनी कर याद कर लो आएगा आएगा, हालांकि ये सवाल ना लॉन्ग में आता ना शॉर्ट में आता, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं जी चैप्टर 1 में से आपके क्या आने हैं। चैप्टर 1 में से अगर हम बात करें ब्रांचेस में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और एमसीक्यूज आ सकते हैं, प्रीफिक्सेस आ सकता है शॉर्ट में से, स्क्यू गेज बनी के पेपर में जीरो एरर आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव पता है ना, बैलेंस वाला लीवर्स वाला इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वगैरह। उसके बाद हम चले जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, चैप्टर नंबर 2 पे हम चले जाते हैं काइनेटिक वाले में, राइट, इसमें सारी की सारी क्या डेफिनेशन दी हैं, काइनेटिक रेस्ट मोशन एक्यूरेसी, ये तो मिनट की बात है कर लो के सॉल्व। डिस्प्लेसमेंट, एक ऐसा बच्चा है पूरा साल पढ़ता रहा फिजिक्स और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख दी गलत, क्या लिख दी, कोई हालत है, शॉर्टर डिस्टेंस उसे लिखना नहीं आया, बंदा क्या करे ऐसे बच्चे का, बच्चे कहते हैं सप्ली भी नहीं आनी, बच्चे जेब में पैसे भी नहीं है, कम से कम बंदा पैसे जोड़ ले सप्ली के, ठीक है पैसे जोड़ ले बंदा सप्ली के ताकि गर्भ से मांगना ना पड़े। अच्छा चैप्टर 2 में एक चीज़ है जो कि किसी और पूरी बुक में किसी चैप्टर में नहीं है, वो है फॉर्मूले, चैप्टर 2 में बहुत ज़्यादा हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, समझ आ रही, स्पीड का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन वाले पता है ना सॉल्व करना 2s। उसके बाद हम चले जाते हैं वो टेढ़ी बिल्डिंग, वो आना सवाल क्या कहते हैं उसे, टेढ़ी बिल्डिंग क्या, लीनिंग टावर, हाँ जी टावर का नाम क्या है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इस लीनिंग टावर ऑफ पीसा को आप लोगों ने कहाँ देखा था,
मोटू पतलू के कार्टून के अंदर जब मोटू ने इसे तोड़ दिया था, काफी मसला पैदा हुआ था। हाँ तोड़ दिया, हाँ सीधा कर दिया था, सीधा कर दिया था, तो काफी मसला पैदा हुआ था। ठीक है, तो चैप्टर में 58 पे आ जाए, फोर्स इनर्शिया, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है। सेकंड आ जाए, फर्स्ट आ जाए या थर्ड वाला मैक्सिमम आ जाए, तो एक्शन का रिएक्शन। अब मसला क्या है कि ये जब भी आप याद करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट से तरीके से याद नहीं करेंगे, आपको एक्सपेरिमेंट से तरीके से याद करना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की हेडिंग भी देनी है, सही तरीके से याद भी करना है। उसके बाद आप क्या कहते हैं M1 -M2 और जी वाली एक्सेलरेशन वाली राइट, ये भी आपको आना चाहिए। फोर्स एंड मोमेंटम, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो चैप्टर में कुछ भी आपने नहीं छोड़ना, लॉ ऑफ द कंसंट्रेशन मोमेंटम कुछ भी नहीं छोड़ना है चैप्टर में। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन के बारे में, रूलिंग फ्रिक्शन, सर्कुलर फ्रिक्शन, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब चीजें आएंगी। उसके बाद हम चले जाते हैं चैप्टर फोर पे। चैप्टर फोर पे जो से डेफिनेशन आती है, एडिशन ऑफ द फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये भी शॉर्ट में आएगा, टॉर्क वगैरह सब शॉर्ट में है। ठीक है, इसमें अगर हम लॉन्ग में जाएं तो हाँ इक्विलिब्रियम वाला आएगा, कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, जिसमें फर्स्ट सेकंड कंडीशन और स्टेट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, इन दोनों से एक आ सकता है। तो चैप्टर पर आते हैं सिक्स पे, चैप्टर फाइव तो फुल करना है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, तीन लाए, तीन के तीन जो से वो लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो उसमें चैप्टर सिक्स पे हम आए थे, वर्क की डेफिनेशंस, यूनिट ऑफ दी जो वर्क क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ये लॉन्ग क्वेश्चन, इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये भी मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा। ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉट रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ये आ सकते हैं। ठीक है, इनमें दो दो तीन तीन आपको हेडिंग याद करनी है, वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉट रीन्यूएबल रिसोर्सेज की हेडिंग दिएगा। ठीक है ना, वो आना चाहिए आपको। एफिशिएंसी की डेफिनेशन फॉर्मूला चैप्टर में आ जाए, नेक्स्ट पे सेवन पे प्लाज्मा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, और आपने कहना सर जी ये लॉन्ग क्या दे दिया, चार लाइनों को याद किया था हमने, इसे लिखें कैसे, तो मेहरबानी करके इसे पूरा याद करें, दी फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर प्लाज्मा। हाँ जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 149, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट के साथ याद करना है। पास्कल लॉ, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लाजमी आ सकता है। उसके बाद सबमरीन वगैरह नहीं, फ्लोटेशन कुछ भी नहीं आना उसमें से। थर्मामीटर में शॉर्ट आएगा, और सेल्सियस केल्विन फेरेंट में से एक एक शॉर्ट लगा था बन के आ सकता है। स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा। चेंज ऑफ द स्टेट, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, जो कि जिसका ना सर ना पैर, चेंज ऑफ द स्टेट पढ़ लेना। ठीक है, और इस पर एक्टिविटी भी कर लेना इसकी, किस ना पानी बादलों में जाता है फिर बारिश होती है। ठीक है, लेटर एंड ऑफ द फ्यूजन एंड एवेपरेशन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें तीन हेडिंग, सरफेस एरिया, विंड टेम्परेचर, रेट वगैरह। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर में नाइन जो है वो, उसमें थर्मल कंडक्टिविटी मुझे नहीं लगता आएगा, यूज कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, ये शॉर्ट में आएगा, याद कर लेना। कन्वेंशन कन्वर्ट होना, ये भी शॉर्ट में आ सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारा हो जाता है चैप्टर बुक ख़त्म। अब आते हैं लाइक बच्चों की बात, और लाइक बच्चों की बात कर लेते हैं, फिर बात को करते हैं ख़त्म। ठीक है, जो बच्चे नलाइक हैं वो सिर्फ चैप्टर नंबर करें 2, 3, 5, 7 और 8 ये कर लें नलाइक बच्चे, और जो लाइक बच्चे हैं वो करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, बाकी सारे चैप्टर छोड़ दें। उम्मीद पूरी करता हूँ कि उनके नंबर अच्छे आएंगे। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।